इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी अभी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। सूत्रों से पता चल रहा है कि अभिषेक झा सरकारी गवाह बन सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अभिषेक झा ईडी को अनुसंधान में पूरा सहयोग कर रहे हैं। वे ईडी को एक एक जानकारी, एक एक दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले 10 दिनों से दिन भर उनका ईडी के कार्यालय में आना जाना लगा हुआ है। पल्स अस्पताल में निवेश से संबंधित दस्तावेज भी उन्होंने ईडी को दे दिया है। ईडी सूत्रों की माने तो अभिषेक झा सरकारी गवाह बन सकते हैं। इधर आईएएस पूजा सिंघल व उनके चार्टर्ड अकाउंट सुमन कुमार की रिमांड अवधि आज समाप्त हो जाएगी। सूचना मिल रही है कि रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए आज ईडी के अधिकारी न्यायालय गए थे। रिमांड अवधि बढ़ी तो ठीक, नहीं तो पूजा सिंघल को फिर जेल जाना पड़ सकता है। वहीं गोड़ा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है कि क्या पूजा सिंघल व उनके पति सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। डॉक्टर निशिकांत दुबे के ट्वीट पर एक नजर दौड़ाया जाए तो उनके सभी संकेत आगे चलकर ईडी की कार्रवाई से मिलजुल रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।